2023 में ही जब चलने के बावजूद भी जमीन बिकी जा रही है। जमशेदपुर में भी बहुत सी जमीन ऐसी मिली है, यहाँ तो 107 बस्ते मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। उलगुलान या शब्द बिरसा मुंडा का शब्द था, या शब्द सिद्धू कानू जी का शब्द था, या शब्द आपका तिलका मांझी का शब्द था। उलगुलान यानी उस समय के लोग जमींदारी प्रथा होते थे, गरीब आदिवासी का जमीन छीन के लगान लेकर या अत्याचार किया जाता था। और उस समय बिरसा मुंडा महापुरुष, आपके सिद्धू कानू महापुरुष और तिलका मांझी महापुरुष ने उलगुलान कर दिया, और उलगुलान ऐसा कि पूरे गांव के गांव लोग उनके पीछे रहते थे और अंग्रेज सरकार की फौज भी उनको डराने में, धमकाने में, लड़ने के लिए भी सोचती थी। और अंग्रेज सरकार को उन्होंने मजबूर कर दिया कि आज जो झारखंड में SPT एक्ट है या CNT एक्ट है, उसी की देन है कि आज भी उस एक्ट को छेड़छाड़ नहीं करती है, क्योंकि वहाँ उलगुलान का उपज का वह परिणाम है कि उस झारखंड की धरती में जो कानून बनाया गया है वह बहुत ही शोध के, सोच के, समझ के, और वह धरती की रक्षा के लिए, ज़मीन की रक्षा के लिए किया गया। लेकिन यह बात उस समय की थी जिस समय हमारा देश गुलाम था, और आज हमारा देश उस इकोनॉमिक में जा रहा है जहां हम लोग अमेरिका, चाइना के बाद थर्ड पोजीशन में आने वाले हैं। अभी वर्तमान में हमारी 5 पोजीशन है। या तो भारत की बात है, अगर हम जमशेदपुर आते हैं, जमशेदपुर यानी झारखंड की राजधानी, और यह रेडिएशन जो टाटा स्टील का है उसका रेडिएशन सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम, नोआमुंडी, इधर पूर्वी सिंहभूम, और आपको ऋषि से ओडिशा की तरफ जाने वाला वहाँ कलिंगा नगर प्रोजेक्ट, जिसमें टाटा स्टील के ग्रुप ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को एक्वायर किए, और 2030 के बाद टाटा ग्रुप को यानी लीज जो मिलता है वह ओपन हो जाएगा, यानी वह लीज जो अभी टाटा स्टील को मिला हुआ, सेल को मिला हुआ है, वह ओपन मार्केट में हो जाएगा। और टाटा स्टील जिस हिसाब से इस्पात कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी को अधिग्रहण की है, उस हिसाब से मैन पावर, कच्चा माल आने जाने का रास्ता या जमशेदपुर होता हुआ, चाईबासा होता हुआ, नौमंडी होता हुआ, आपको बरबीर होता हुआ ओडिशा में घुस रहा है। अब इस ओडिशा और जमशेदपुर की दूरी, ओडिशा से कलकत्ता की दूरी, इस रेंज में अब टाटा ग्रुप ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू करने वाली है, जिसमें टाटा स्टील का 100% इन्वेस्टमेंट होगा, यानी टाटा स्टील पैसा लगाएगी और उसको विकास करेगी। लेकिन बात होती है कि ज़मीन कहाँ है, ज़मीन तो है नहीं, ज़मीन तो वह गरीब आदिवासी जनता का है जिन्होंने उनके पूर्वज आज उसी खेती से, उसी भूमि से अपनी जीवन चला रहे हैं। अब उस ज़मीन को अधिग्रहण करना टाटा स्टील के लिए बहुत ही मजबूरी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन उस आदिवासी संगठन में ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो कॉरपोरेट को सीना तान के लड़े या अपनी बात को रखे। लेकिन टाटा स्टील अंदर अंदर इस विषय में बहुत अधिक काम कर चुकी है, वहाँ के मुखिया से मीटिंग, वहाँ के ग्राम सभा से मीटिंग, और यह प्लानिंग के तहत हो रहा है। अब यह फिनिशिंग मोड में है, जैसे वहाँ के गांव में यह खबर पहुँचती है, वहाँ के मुखिया, वहाँ के जो समाज सेवी है, वहाँ के जो स्कॉलर है, जो थोड़ा प्रति आदिवासी ज़मीन के प्रति जागरूक है, उन्होंने अपनी संस्था बनाया झारखंड पुनरुत्थान अभियान। अभी तक यह संगठन इस विषय में काम करेगी और कैसे करके जो ज़मीन है अतिक्रमण नहीं हो, गांव की ज़मीन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, उस विषय में यह मीटिंग करने वाली है, बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली है, और हमें लगता है कि बहुत बड़ा पैदल मार्च होने वाला है, जो इसकी एक शुरुआत हो गई। अब देखना है कि क्या यह अभियान में कॉरपोरेट जीतती है या वह गरीब आदिवासी
जीतती है, या तो समय बताएगा, लेकिन एक शुरुआत या उलगलान जो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी ने किया, अब इल्लो भी कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि उलगलान अपनी मंजिल में पहुंचता है कि रास्ता से भटक जाता है। क्या बोलना चाहते हैं? मैं झारखंड पुनरुत्थान अभियान के मुख्य संयोजक सन्नी सिंह को और एडी लाइव के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, आपने जो इस लाइव के माध्यम से जो अपना सारांश दिया, सब्सटेंस दिया, यह बात सही है कि यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमने इस देश के अंदर में इस देश का नागरिक होने के नाते क्या अपना जो नागरिक अधिकार है संविधान में और सरकार का जो कानून व्यवस्था है वो दोनों चीज़ को समझने का कोशिश किया और उसी क्रम में एक चीज़ समझ में आता है कि इस देश के अंदर में अंग्रेजी शासन के समय से ज़मीन का अगर मसला होता है तो 1894 में सबसे पहले अंग्रेजों ने ही ज़मीन से संबंधित कानून बनाया था, लेकिन आगे चल कर के बात उठा कि नहीं, इस कानून के आधार पर जो भी कॉरपोरेट हैं वो अपना हित का रक्षा करने के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने जैसे पालू को जो है रखे हुए हैं, इसीलिए इसका संशोधन हो, इसी आधार पर 2013 में भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून बना और उसी भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून में कहा जाता है कि जहां कहीं भी आदिवासी अगर जो है मूलवासी और दलित के ज़मीन का सवाल है तो यह ज़मीन उनका आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है, नैसर्गिक और मौलिक अधिकार से संबंधित मामला है, पर्यावरण के लिए बहुत अधिक जरूरी, पर्यावरण के लिए भी। तो इसीलिए ये जब जो है कहा गया 2013 का कानून की बात कर रहे हैं कि अगर किसी का ज़मीन, किसान के ज़मीन आप इसलिए उपजाऊ ज़मीन अधिग्रहण मत करिए, कहे कि देश के सामने में कद सुरक्षा कानून पर भी खतरा पड़ने वाला है कि खदान के नाम पर एक नंबर उपजाऊ ज़मीन को इसलिए आप अधिग्रहण मत करिए ताकि खदान का संकट हमारे देश के सामने आए, ये 2013 का कानून में उल्लेखित है। अब ऐसे अगर बात है उसी में कहा गया, इसीलिए अगर किसान का ज़मीन को आप अधिग्रहण करते हैं तो उस किसान से कम 80% सहमति आपको लेना जरूरी है और वहाँ पर जो सामाजिक जो प्रभाव पड़ने वाला है उसका भी आपको समीक्षा करना जरूरी है, ये कानून बोलता है। लेकिन टाटा स्टील फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से आपके जमशेदपुर से लेकर के कलिंग नगर के बीच में जो डेवलपमेंट कॉरिडोर, यानी यहाँ जमशेदपुर से कलिंग नगर की दूरी 286 किलोमीटर है, इस 286 किलोमीटर के बीच में ये जो है दोनों टाटा स्टील फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट बोलता है कि हम 450 में गांव में हम डेवलपमेंट का वर्क करेंगे। यही तो एक सवाल है, दूरी है 286 किलोमीटर और बामुश्किल जो है कई डिस्टेंस में गांव है, तो हमको लगता है कि 200 गांव भी नहीं पड़ेगा तो ये 450 गांव क्यों डेवलपमेंट से जुड़ेगा। तो यही सवाल पर जब हम लोग जो अध्ययन करना शुरू किया और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए टाटा स्टील फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट और जो पदस्थापित पदाधिकारी जो सरकार के जो है मुलाजिम हैं डीसी के साथ में जब चैबासा में आपके फरवरी महीना में जो है प्रथम सप्ताह में ही बैठक होता है तो वहां पर डीसी ने मुखिया और जिला परिषद सदस्य और टाटा स्टील के पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में, वो भी एसी के बंद कमरे में बैठक करता है। दूसरे दिन जब अखबार में आता है कि नहीं टाटा स्टील फाउंडेशन यहाँ से यहाँ के दूरी के बीच में डेवलपमेंट कॉरिडोर का काम करेगी, तब उसके दूसरे दिन ही झारखंड पुनरुत्थान अभियान उसका प्रतिवाद करती है। और हमने वहाँ के डीसी से सवाल किया अखबार के माध्यम से कि हम लोग पूछना चाहते हैं डीसी साहब कि जिस ज़मीन को अधिग्रहण करने का बात करते हो कुलान में मन के मुंडा पारंपरिक व्यवस्था है, जो यह संविधान उसको इजाज़त देता है कि उसमें जो है आर्टिकल्स 13 के तहत में जहां भी रूढ़िजन पारंपरिक व्यवस्था है उसको यथावत रखने के लिए कानून भी उसको इजाज़त देता है, जिसके चलते सरकार हाईकोर्ट में हारा है और जिसके चलते वहां पर जहां भी मन के मुंडा अभी तक बहाल नहीं हुआ है, नियुक्त नहीं हुआ है, डीसी को जो है न्याय
न्यायाधीश के माध्यम से नियुक्त करने का आदेश प्राप्त है। उसके आलोक में आपने मंडकी मुंडा को तो बुलाया ही नहीं, जो कुलान में जनमीन का जो है मालिक है, तो आप क्या आकाश में डेवलपमेंट का वर्क करोगे? ये सन्नी सिंह को ने डीसी से सवाल किया था। और उसके बाद लगातार हम लोग जो है मीटिंग सेटिंग करते रहे। परसों भी हमने ठीक जो है जीक पांडे के पास में मीटिंग किया, जहाँ पर जो ये हमारा जो कार्यक्रम सुनिश्चित है, उस कार्यक्रम में ग्रामीणों को भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए किस तरीके से वहाँ पर हमारे साथ अनैच्छिक विस्थापन, अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट हमारे सिर पर तोपा जा रहा है। अब समझ रहे हैं कि वो जबरदस्ती आपके साथ बगैर मीटिंग करके इतना बड़ा जमीन अधिग्रहण कर रहा है, तो इसका तरीका क्या है, इसको कैसे रोकथाम होगा? कितने गांव के अभी तक आप लोगों ने संपर्क किया है? और यह अभियान बहुत बड़ा अभियान है, तो क्या आपके साथ गाँव वाले हैं? और सबसे बड़ी चीज़ की झारखंड में जेएमएम की सरकार है, जो आदिवासी की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, क्या वहाँ की सरकार से, हेमंत सोरेन जी से, क्या आपने वहाँ के विधायक, क्या वहाँ के सांसद, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कानूनी रूप से क्या हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या जिला कोर्ट में क्या आप लोगों ने कुछ पिटीशन डाला है? निश्चित तौर पर आपको ये बताना चाहेंगे, हमारे इस लोकतांत्रिक देश में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जनता का असहमति। हमने जब असहमति जता दिया तो ये जो है सरकार को समझ में आना चाहिए। जब समझ में नहीं आ रहा है, तब 16 तारीख को पिछले महीने हमने धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल को लिखा कि महामहिम राज्यपाल के 244 के तहत में, आर्टिकल्स के 244 के तहत में पंचम अनुसूचित राज्य में आप हमारे गार्जियन होते हो, चूँकि अनुसूचित जिला तीनों जिला है, वैसा में आपका दायित्व बनता है कि जमीन से संबंधित हो, कि क्षेत्र में किसी भी तरह का जो है विकास के नाम पर अशांति हो और वहाँ पर जो है अनैच्छिक विस्थापन का स्थिति हो, और आप सम्मिलन विकास के नाम से उनको आप जो है पूरी तरह से उसका एकीकरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो उसका रिपोर्ट वैसे ही देना जरूरी है जैसे 2011 में डिलिमिटेशन के खिलाफ में हमारे महामहिम ने इस रज में जब उसका आंदोलन का को भापा, तो उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपा और जो है वो फ्रीज हो गया, 2024 तक नहीं हुआ है। तो हम लोग ने महामहिम राज्यपाल को लिखा है कि आप का अधिकार क्षेत्र है, प्रत्येक साल आपको रिपोर्ट भेजना है। यह टाटा स्टील कॉरिडोर के खिलाफ में जो जनता आज अशांत है, आज जो है पूरी तरीके से आंदोलन करने के मूड में है, इसका रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को आप समर्पित करें। यह उड़ीसा के राज्यपाल और हम लोग झारखंड के राज्यपाल को इसका मांग किया। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, चाईबासा, झिकपानी, नोआ मुंडी, वहाँ राज्यपाल के अधीन होता है। क्या आर्टिकल बोले 244 ये बहुत बड़ी कानून होता है और राज्यपाल के अंतर्गत होता है। क्या टाटा स्टील राज्यपाल को सूचना दिया था या नहीं दिया था? क्या टाटा स्टील कानून के तहत यह काम कर रही थी? या तो जाँच का विषय है, लेकिन आप बात करते कि सर कितने इससे नुकसान क्या है? एक तो क्योंकि औद्योगिक विकास भी जरूरी है, जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा तब तक तो डेवलपमेंट नहीं होगा, तो क्या इसका बीच का रास्ता निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? औद्योगिक विकास का जो मॉडल है पूरी दुनिया में फेल हो गया। उन्होंने मानव का विकास नहीं कर सका, पर्यावरण को दूषित करने के लिए जीव जंतु मानव को रहने लायक पृथ्वी नहीं रखा, तो ये कैसा विकास है जो मानव का ही नाश हो? तो मानव का विकास मानव के गुणों के आधार पर और उनके जीवन की सुरक्षा के साधनों को मुहैया कराने के तहत होना चाहिए। ऐसा समग्र विकास का मॉडल दुनिया में आज नहीं है, इसीलिए आज हम लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। और हम अच्छी तरह जानते हैं हमारी ये झारखंड की भूमि और उड़ीसा जो केवंझर और जाजपुर का जो ज़मीन है, ये मिनरल से भरा हुआ ज़मीन है और पूरी दुनिया के लोगों का और भारत के कॉरपोरेट घरानों का नज़र इस संपत्ति पर है। चूँकि ये संपत्ति सामुदायिक संपत्ति है, उन टाटा के दादा परदादाओं ने तोप के उनके लिए संरक्षित नहीं रखा है, ये जनता की संपत्ति है। और संविधान के 38 और 29वां
अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सामुदायिक संपत्ति का बंटवारा सभी समुदाय के बीच समान रूप से होना चाहिए। आज क्या ये हो रहा है? ये टाटा कंपनी के लिए क्या हम अपना जमीन निचावर करके सारा संपत्ति देश का कुछ लोगों को दे दें? तो ये संविधान सम्मत नहीं है। और हम जानते हैं कि कॉरपोरेट के लोग ये कॉरिडोर क्यों बनाना चाहता है। इसलिए बनाना चाहता है कि हमारे ज़मीन के अंदर जो धन संपत्ति अकुत संपत्ति भरा पड़ा है उसको खोद के निकालें और धन कुबेर बने और हमारा जीवन नरक हो जाए, कोई मतलब नहीं। इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आज अगर आप जाएंगे टाटा से चैबसा नवामुंडी तक, घर के रोड के एक दो किलोमीटर तक धूल उड़ रहा है, भोजन में धूल पड़ रहा है, पीने के पानी में धूल पड़ रहा है, घर पूरा गंदा हो रहा है, कपड़ा एक दिन आप साफ नहीं रख सकते हैं। ऐसे ज़िंदगी जीने के लिए हम लोग को कंपनी छोड़ रही है? फिर इतना विरोध इतना लेट से क्यों? अगर सच्चाई है तो आपको तो शुरू से विरोध करना चाहिए। हम लोगों को आशा था कि झारखंड जब बना तो हमारा दुख दर्द को समझेगी, लेकिन झारखंड की कोई भी सरकार, चाहे NDA की हो चाहे UP की हो, किसी ने झारखंडियों का सुध नहीं लिया, इनकी शांति को बहाल नहीं किया, इनकी समृद्धि के लिए कोई योजना नहीं बनाई। सारी पार्टियां कॉरपोरेट के लूट में हिस्सेदारी लेने के लिए आज यहां पर है और सत्ता में काबिज है। देखिए, ये लड़ाई तब से है जब से इस वर्ल्ड में पूंजीपति का आविष्कार हुआ। कॉरपोरेट चाहता है कि गरीबी को वह खेले, गरीबी के साथ मजाक उड़ाए, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं है। लेकिन उसी लोगों में, उसी बीच में सिद्धू कानू ने भी जन्म लिया था, उसी जंगल जमीन से बिरसा मुंडा ने भी जन्म लिया था और तिलका मांझी ने भी जन्म लिया था। ये उलगुलान है, या उलगुलान तब तक रहेगा जब तक कॉरपोरेट गरीब की जमीन, आदिवासी की जमीन यानी मूलवासी की जमीन अतिग्रहण करेगा और वह तर्कपूर्ण नहीं रहेगा, कानूनी दृष्टिकोण से नहीं रहेगा, तब तक यह विद्रोह आंदोलन होता रहेगा। अब यह देखना है कि कॉरपोरेट पीछे हटती है या वह संगठन जो उलगुलान का आवाज़ बुलंद करते हुए आगे बढ़ रही है, क्या वो पीछे हटती है, या तो समय बताएगा। लेकिन इस न्यूज़ में AD लाइव की भी नज़र बारीकी से रहेगी। हर एक काम का ब्यौरा, हर एक आंदोलन का ब्यौरा आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन युद्ध यानी उलगुलान की शुरुआत हो चुकी है। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद।